अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है भाई साहब आपका ये चैनल, आपका जो चैनल है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में नहीं पता है, और 2024 में तो काफी कुछ चेंज भी हो गया है पॉलिसीज में, तो अगर आपको नहीं पता है तो भाई साहब चैनल कभी भी आपका जो है डिलीट कर सकता है यूट्यूब, या फिर कोई वीडियो डिलीट कर सकता है, या आपको स्ट्राइक पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन 2024 के बारे में बताने वाला हूं। और ये जो वीडियो है थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको बारीकी से बताऊंगा कि भाई कैसे आपको जो है गाइडलाइन स्ट्राइक लग सकती है, कौन कौन सी गाइडलाइंस है जिनको हमको फॉलो करना है, क्या क्या ऐसे केसेस भी होते हैं कि वहां पे आप किसी गाइडलाइंस को अगर फॉलो भी नहीं कर रहे ना तो भी आपको स्ट्राइक नहीं लगेगी, स्ट्राइक आ जाए तो आप कैसे बच सकते हैं, स्ट्राइक लगती कैसे है, ऐसा कैसे होता है कि कोई वीडियो आपने 2 साल पहले बनाया, आप भूल भी गए कि ऐसी कोई वीडियो बनाई थी और 2 साल बाद आपको स्ट्राइक लग जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना किसी स्ट्राइक के आपके चैनल को ही डिलीट कर दिया जाता है, ये सब क्यों होता है सारा हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये मास्टर क्लास है, इसको जरूर देखिएगा अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, आप अपने चैनल को कैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई स्ट्राइक आती कैसे, यूट्यूब पकड़ता कैसे हमारी वीडियो को, कैसे पकड़ता है, क्योंकि 2 साल पहले कोई वीडियो बनाई थी और 2 साल बाद स्ट्राइक आती है, हमको पता भी नहीं होता कि हमने कोई वीडियो भी बनाई थी। तो देखिये यूट्यूब के पास 2 सिस्टम है, एक तो है भाई साहब ये मशीन लर्निंग सिस्टम और एक है ह्यूमन जो रिव्यू करते हैं आपके कॉन्टेंट का। अब ये 2 साल पहले कोई कंटेंट बनाया, 3 साल पहले बनाया, उस पर कैसे आता है, तो उसकी एक चीज है। इसमें क्या होता है कि मशीन लर्निंग सिस्टम को या तो पकड़ में आ जाए आपका कंटेंट, या फिर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कंटेंट है उसको बहुत सारे लोगों ने फ्लैग किया है कि भाई इसमें तो ये पॉलिसी वॉयलेट हुई है, पर ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने किसी वीडियो के अंदर कोई पॉलिसी को वॉयलेट नहीं किया, सारी पॉलिसी को फॉलो किया और लोगों ने आपको फ्लैग कर दिया, तो उस कंडीशन में आपका वीडियो हट जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हटेगा। अगर लोगों ने फ्लैग भी किया होगा और आपकी वीडियो में भी कमी होगी, आपकी वीडियो में सच में आपने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया होगा, तभी आपका वीडियो रिमूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो मशीन लर्निंग जो सिस्टम है ना वो भी इंसान ने ही बनाया है, उसमें डेटा ही डाला गया है ताकि वो कुछ है ना प्रिडिक्शन कर सके कि आपका जो वीडियो है उसको जांच सके कि क्या यार ये गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सिंपल सी बात है कि जो डेटा है इसके अंदर डेटा इनपुट जाता है, एक ट्रेन मशीन लर्निंग सिस्टम होता है, डेटा इसके पास गया आपकी वीडियो का। अब क्या करता है कि इसके पास कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिससे ये प्रिडिक्ट करता है आपके वीडियो को, कि देखता है कि आपके वीडियो में कोई दिक्कत है क्या, कोई ऐसी पॉलिसी है जिसको आपने वॉलेट किया है कि नहीं किया। उसके बाद क्या करता है कि अगर ये हाईली कॉन्फिडेंट होता है, अगर हाईली कॉन्फिडेंट है कि यार लोगों ने फ्लैग किया तो इस वीडियो को, या इसको पता चला है कि इसमें कोई ना कोई पॉलिसी वॉलेट की गई है, तो ये आपके कॉन्टेंट को भाई साहब रिमूव कर सकता है, यानी आपकी वीडियो को रिमूव कर सकता है, या फिर ये क्या कर सकता है ह्यूमन के लिए भेज सकता है कि भैया ह्यूमन रिव्यू होगा इसका, ठीक है। अब ह्यूमन रिव्यू में क्या होगा कि जो ह्यूमन है वो रिव्यू करेगा, वो रिव्यू करके अपना जो इनपुट है वो भी यहां पे डाल देगा ताकि उसके एक तरह जो ये सारी जांच हो इसकी एक्यूरेसी हो सके कि देखो मशीन लर्निंग सिस्टम ने भी कर दिया, ह्यूमन ने भी रिव्यू कर दिया। उसके बाद क्या होगा, ह्यूमन जो है वो ये देखेगा कि अगर आपने कोई भी पॉलिसी जिनकी हम डिस्कस करेंगे आगे वो अगर वॉयलेट की है, एक तो ये देखेगा, एक होता है भाई साहब हमारा इसके अंदर होता है, इसके हम आगे बात करेंगे थोड़ा प्रॉपर, EDSA। अब ये जो है ना ये भी एक पॉलिसी है, अगर EDSA के अंदर आपका कंटेंट आता है तो हो सकता है कि आपको जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना मिले, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पता लगाएगा कि भैया आपका जो वीडियो है उसको हटाना है नहीं हटाना है, जो भी उस वीडियो पे मतलब डिसीजन लेना है, इस तरीके से जो है पूरा का पूरा चक्र चलता है। हालांकि गलती है किसी से भी हो सकती है भाई, मशीन लर्निंग से भी मिस्टेक हो सकती है और ह्यूमन से भी मिस्टेक हो सकती है, तो आप अपील कर सकते हैं, आपको अपील करने का भी ऑप्शन मिलता है बाद में, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये एक पूरा तरीका है जिससे आपको स्ट्राइक मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि भैया YouTube आंखें बंद करके आपको स्ट्राइक दे देता है, पूरा सिस्टम होता है, सिस्टम से काम होता है, जब आप पॉलिसी वॉलेट करेंगे तो आपको जो है स्ट्राइक वगैरह देखने को मिलती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज है जिनको हमें फॉलो करना ही करना है। तो सबसे पहले जो पॉलिसी है वो है ये स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस, ये वाली पॉलिसी है। इसके कुछ ये 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये वाली पॉलिसी तो आपके लगेगी नहीं, यानी आपकी वीडियो सेफ रहेगी। अब पहली जो पॉलिसी है वो है फेक एंगेजमेंट। अगर आप अपनी वीडियो पर फेक एंगेजमेंट लेते हैं, कैसे, कोई थर्ड पार्टी ऐप में वीडियो चला के व्यूज ले रहे हैं, या कोई फेक व्यूज ले रहे हैं, सब फोर सब कर रहे हैं, कुछ भी तरीके से फेक व्यूज प्राप्त कर रहे हैं, फेक वॉच टाइम ले रहे हैं,
तो उस कंडीशन में भी आपको जो है ये वाली पॉलिसी के तहत जो है स्ट्राइक लग सकती है, ठीक है। दूसरा है ये इम्परसोनेशन। अब इम्परसोनेशन का मतलब एक तरीके से चोरी हो गया। अब क्या हुआ यार, यूट्यूब पे कैसे चोरी करेंगे, कैसे करेंगे कि आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई फेमस क्रिएटर है या कोई क्या ना अच्छा एस्टेब्लिश क्रिएटर है, आपने उसका जैसा हुबहू चैनल बना लिया, उसका लोगो चुरा लिया, उसका बैनर चुरा लिया, उसके थंबनेल चुरा लिए, एकदम सेम कॉपी सा ना चोरी किया सा चैनल, ऐसा लग रहा है चैनल चोरी किया गया है। इस तरह का कोई चैनल या कंटेंट होगा या कुछ भी होगा तो भी इस वाली पॉलिसी के तहत आपको स्ट्राइक लग सकती है। फिर आता है साहब एक्सटर्नल लिंक्स। अब ये एक्सटर्नल लिंक्स क्या है, तो देखिए आप हमारी देखते होंगे वीडियो के नीचे बहुत सारे हम लिंक लगाते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप भी लगाते होंगे। तो अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे लिंक्स लगा दिए जाएं जो लिंक्स मतलब ऐसे है जो अलाउ नहीं है यूट्यूब पे, जैसे कोई थर्ड पार्टी ऐप का आपने लिंक लगा दिया, कोई गैम्बलिंग का ऐप का आपने लिंक लगा दिया, या कोई ऐसा लिंक लगा दिया जहां पे वो क्लिक करके व्यूअर जाएगा तो उस वेबसाइट पे मालवेयर या स्पैम वगैरह हो रहा है, या कोई वायरस आ सकता है उसके डिवाइस में, या वहां पे कोई ऐसी चीजें सेल हो रही है जो गलत है, है ना, इरेगुलर है, उस तरीके के जो एक्सटर्नल लिंक्स है जो संवेदनशील है अगर वो आप लगाएंगे तो भी आपको इस पॉलिसी के तहत प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद यहाँ पे आ गया साहब स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिस एंड स्कैम्स। ये वाली पॉलिसी को समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप अपनी वीडियो के अंदर मिसलीडिंग करते हैं बहुत ज्यादा, यानी मेटा डेटा जो है वो तो किसी और चीज का लगा रहे हैं, वीडियो में कुछ और बता रहे हैं, मेटा डेटा के अंदर करना कुछ भी, कीवर्ड स्टफिंग करना। कई बार है ना आपने देखा होगा ना बहुत सारे जो ये जो टैग्स होते हैं ना हमारे, ये टैग्स को बहुत सारे लोग डिस्क्रिप्शन में भर देते हैं, कोमा लगा लगा ऐसे कोमा लगा लगा के भर देते हैं बहुत सारा, जो कि अलाउ नहीं है। इस तरह की जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो गलत है। इसके अलावा कुछ इस तरह की प्रैक्टिस करना जैसे हैकिंग सिखाना है ना, हैकिंग के बारे में बात करना, या फिर कोई पेड सॉफ्टवेयर है उसको फ्री में कैसे क्रैक करते, उस तरीके की चीजें आप करते तो आपको ये वाली पॉलिसी जो है लग जाएगी, और ये मेन पॉलिसी जिसके तहत आपको स्ट्राइक आ सकती है। अब आती है भाई प्लेलिस्ट। तो देखिए हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनाते हैं, तो प्लेलिस्ट में भी क्या होता है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, वहां पे अगर आप मिसलीड करते हो, वहां पे आप मेटा डेटा गलत डालते हो, या प्लेलिस्ट के अंदर कुछ भी ऐसी गलती करते हो, कोई भी ऐसी पॉलिसी जिसमें आप स्पैम वगैरह करते हो जो प्लेलिस्ट के अंदर बनाते टाइम कर रहे हो, तो वहां भी आपको स्ट्राइक लग सकती है। और कुछ भैया एडिशनल पॉलिसी भी है। अब एडिशनल पॉलिसी में क्या है, जैसे यूट्यूब की टर्म एंड सर्विस है, आप उनको वॉयलेट कर रहे हो तो वहां पे आपको इसी के तहत जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। और भी कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज है जो बेसिकली पॉलिसी से ऐसे बॉर्डर लाइन पे होते हैं कुछ कंटेंट, कुछ ऐसी पॉलिसीज है उनके तहत भी आपको जो है प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसका भी क्या है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि बहुत ही है ना बड़ा इसका सेगमेंट है, अगर उनको लगता है यूट्यूब को कि यार ये जो कॉन्टेंट है ये नहीं रहना चाहिए यूट्यूब पे, तो ये वाली पॉलिसी लग जाएगी और आपको आ जाएगी स्ट्राइक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा हमारा है जी सेंसिटिव कंटेंट। ये एक बड़ी पॉलिसी है और इस पॉलिसी के तहत भी आपको स्ट्राइक पड़ सकती है। इसके भी भाई साहब पांच जो है पॉइंट है। पहला पॉइंट चाइल्ड सेफ्टी को लेकर है। देखिए चाइल्ड जो होते हैं ना, बच्चे होते हैं, उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है ऑनलाइन। ये कानून भी है और बहुत जरूरी भी है सबके लिए। अगर आप चाइल्ड सेफ्टी के वीडियोज अगर बना रहे और चाइल्ड सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी या कुछ चाइल्ड को हरेसमेंट करना कुछ भी मतलब जहां पे चाइल्ड सेफ नहीं है कुछ इस तरीके का कंटेंट वगैरह दिखा रहे हैं तो वहां पे आपको ये प्रॉब्लम लगेगी। अब दूसरा है जी हमारा थंबनेल। ये जो थंबनेल है ना इस पर भी भाई साहब स्ट्राइक आ जाती है। लोग कहते हैं थंबनेल पे स्ट्राइक आती है, बिल्कुल आती है। देखिए थंबनेल जो है ना उस पे आपने कुछ भी गलत किया, जैसे कि वल्गर इमेज लगा दी, आपने कुछ गंदी बात लिख दी, कुछ ऐसा सेंसिटिव लगा दिया, कोई ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट वगैरह लगा दिया, कोई ब्लड इमेजनरी लगा दी, कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, ऐसे जो संवेदनशील चीज है ना वो कुछ भी आपने जैसे वीडियो के अंदर जो गलती आप करने वाले हो ऐसी कोई भी गलती आपने थंबनेल पे भी कर दी तो भाई साहब थंबनेल पे भी आपको जो है स्ट्राइक आएगा अगर सेंसिटिव कंटेंट होगा तो। अब सेंसिटिव कंटेंट कैसा होता था, वल्गर कंटेंट हो सकता है और या फिर पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो सकता है, या फिर कोई ऐसा जिसमें ब्लड वगैरह खून वगैरह एक्सीडेंट वगैरह इस तरह का दिखाओगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। इसके बाद इसको तो आप समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट। अगर आप भाई साहब यूट्यूब पर न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट दिखा रहे हो इमेजनरी ग्राफिकली तो भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी, चाहे आप थंबनेल पर दिखाओ चाहे आप वीडियो के अंदर दिखाओ। इसके बाद आता है सुसाइड एंड सेल्फ हार्म। इसका मतलब ये कि अगर YouTube पर कोई ऐसी वीडियो बना रहे हो जैसे सुसाइड हो रहा है, जैसे कोई हार्मफुल चीज़ है बिल्कुल, जैसे अभी किसी ने एक वीडियो बनाया कि कोई महिला ट्रेन के नीचे जो है कट गई थी और एक्सपायर हो गई, उसने वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया, उसको तुरंत आ गई जी सेंसिटिव कंटेंट के तहत, तुरंत स्ट्राइक आ गई। तो इस तरह के कंटेंट जो है नहीं बनाने। और एक है वल्गर लैंग्वेज। अगर आप बहुत ज़्यादा वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हो वीडियो के अंदर तो वहाँ भी स्ट्राइक आ सकती है। बट ये यार एक ऐसी पॉलिसी है कि यूट्यूब पर लोग करते भी हैं, उनको कई बार नहीं भी आती है, और कई बार जो बेचारे थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं उनको आ जाती है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि पॉलिसी के हिसाब से वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल करना थंबनेल पे वीडियो में कहीं भी, इस पे स्ट्राइक आपको आ सकती है सेंसिटिव कंटेंट की पॉलिसी के तहत।
चलिए अगली पॉलिसी की बात करते हैं। अगली जो पॉलिसी है इसको आप समझ लीजिए, ये है वॉयलेंट और डेंजर कंटेंट। अब क्या है कि जो एक ना वॉयलेंट कंटेंट होते हैं ना, जैसे लड़ाई दंगा ये सब है ना, बॉम्ब ब्लास्टिंग ये फलाना ये सब होते हैं, ये डेंजर होते हैं बिल्कुल, इस तरह की एक पॉलिसी होती है। और इसके भी है ना 5 पॉइंट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला है भाई साहब हरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग। आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी एक कास्ट के रिलेटेड, किसी भी धर्म के रिलेटेड कुछ भी किसी को भी हरेसमेंट करते हैं, साइबर बुलिंग करते हैं, पोक करते हैं बार बार, ऑनलाइन पोक करते हैं। साइबर बुलिंग का मतलब ये होता है कि किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, ऑनलाइन चिढ़ाना, किसी को नीचा दिखाना, ये सब करते हैं, किसी को हरेसमेंट करते हैं, तो वहां पर भी आपको इस पॉलिसी के तहत स्ट्राइक पड़ सकती है। इसके बाद आता है जी हार्मफुल एंड डेंजर कॉन्टेंट। इसको आप समझ ही गए होंगे, वही एक्सीडेंट वैक्सीडेंट, बॉम्ब ब्लास्ट या फिर खून खराबा, ये सब है ना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। हेट स्पीच, किसी की जाति के बारे में गलत बोलना, किसी की हाइट के बारे में बोलना, बॉडी शेमिंग करना, किसी के कलर्स के बारे में बोलना है ना, कोई कहाँ पे रहता है उसकी, किसी का मजाक उड़ाना, मतलब ऐसा कि उसको हेट दे लो, इस तरीके की हेट स्पीच करते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आता है जी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप समझ गए होंगे कि जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए भी काफ़ी वीडियोज़ वगैरह बनती है, जैसे आतंकवाद वगैरह हो गया, टेररिज्म वगैरह हो गया ना, ये चीज़ें भी सब क्या आती है इसके तहत ही जो है स्ट्राइक आ जाती है, इस तरह की चीज़ हमें नहीं करनी है। एक आता है जी ग्राफिक कंटेंट। अब ये ग्राफिक कंटेंट क्या है कि आपकी वीडियो के अंदर जो भी आप ग्राफिक या इमेज दिखा रहे हो उनमें अगर आपने पॉलिसी को वॉयलेट किया, यानी कि आपने कोई भी ऐसा दिखा दिया जिसमें ब्लड है साहब, उसमें ब्लड खून बह रहा है किसी के, इस तरह की इमेज नहीं दिखा दी वीडियो में, या कोई भी ऐसा ग्राफिक दिखा दिया जो इन सारी पॉलिसी को जो है वॉयलेट कर रहा है, जैसे सपोज आपने जैसा अभी मैंने दिखाया कि ट्रेन से वो कट गई थी महिला, उस तरह उसका ही वीडियो दिखा दिया है ना, किसी का फाइट का दिखा दिया, स्ट्रीट फाइट का दिखा दिया, जो स्ट्रीट फाइट वगैरह होती है इस तरीके का दिखा दिया, कोई किसी को मार रहा है उसका दिखा दिया, तो इस तरह की चीज़ें जो है इसके अंदर आती है। तो ये 5 पॉइंट है जिसमें आपको ये पॉलिसी लगेगी और आपको भाई साहब स्ट्राइक आ जाएगी। अगला समझते हैं जी, ये है रेगुलेटेड गुड्स। अब देखिए इसके 2 पॉइंट है सिर्फ, एक है फायर आर्म्स और एक है भाई साहब सेल ऑफ इलीगल और रेगुलेटेड गुड्स और सर्विसेज। अब इसको समझते हैं, ये फायर आर्म्स समझ गए होंगे आप, फायर से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो आपको जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बताना, ये सब चीज़ें गलत है। इसके अलावा यहाँ पे सेल ऑफ इलीगल रेगुलेटेड गुड्स। अब जैसे सेल क्या होता है, जैसे मान लो कोई गन के बारे में वीडियो बना रहा है और कहते हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से खरीद लो जी गन, वो वीडियो पर भी स्ट्राइक आ जाती है, पहली बात। दूसरा जैसे अब ड्रग हो गई, अल्कोहल हो गया, ये सब चीज़ों की वीडियो बना तो आप नॉलेज के लिए बना रहे हो, लेकिन आप उसमें सेल कर रहे हो, जैसे सेल मतलब उसमें है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल रहे हो, तो आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे किस किस तरह की चीज़ें जिनके बारे में आप जो है सेल की पर्पज से नहीं बना सकते वीडियो। वैसे तो गन का आप रिव्यू कर सकते हो कि भाई गन है ऐसी होती, लेकिन आपने कह दिया ये साहब इस गन को ऐसे खरीद सकते हो, ये वो सब करना, कोई भी जो है रेगुलेटेड गुड्स होते ना, जैसे ऐसी कोई मेडिसिन हो गई जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती उसको सेल करना, इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हो अपने यूट्यूब पर लिंक वगैरह लगाते हो, तो ये वाली पॉलिसी लगेगी और आपको भाई साहब एक स्ट्राइक आ जाएगी। अगला चलते हैं जी मिस इन्फॉर्मेशन। इसके 3 पॉइंट हैं, अगर ये आप वीडियो में मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं 3 तरीके की तो भी आपको दिक्कत आएगी। पहला ये है साहब मिस इन्फॉर्मेशन, आप झूठी जानकारी दे रहे हो जी, झूठ बता रहे हो, फेक न्यूज़ कह सकते हैं हम, फेक न्यूज़ फैला रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको लगेगी। दूसरा इलेक्शन के बारे में झूठी झूठी बात फैलाना, अफवाह फैला देना इलेक्शन के बारे में, जिससे इलेक्शन प्रभावित हो सकते हैं, तो उसमें भी आपको जो है ये प्रॉब्लम आ जाएगी। और एक है जी मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन, ये वाली जो पॉलिसी है ना ये अभी बहुत सख्त हो गई है, अभी 2024 के लास्ट में बहुत सख्त हो गई है। इसमें क्या है कि लोग बताते हैं कि ये एक बीमारी है, घर का जुगाड़ ये कर लो बीमारी ठीक हो जाएगी, मतलब ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं जो सही नहीं है, सामने वाले की जो हेल्थ है उस पर प्रॉब्लम आ सकती है अगर उनकी बात वो मानेगा तो। तो इस तरह की कंडीशन में अगर मेडिकली आप कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हो हेल्थ रिलेटेड, या कोई दवाई बता देते हो किसी को कि ये वाली दवाई यूज़ कर लो जी इससे ये हो जाएगा, तब की वो एक सही प्रैक्टिस नहीं है, तो इस तरह की कंडीशन में आप इन तीनों में अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन दोगे तो मिस इन्फॉर्मेशन वाली पॉलिसी लगेगी और आपको आ जाएगी एक स्ट्राइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है जी वो EDSA। अब मैंने आपको समझाया था ना EDSA, देखिए EDSA तो एक्चुअल में वैसे तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, फिर भी मैं आपको समझाऊं। ईडी का मतलब है, ई का मतलब है जी एजुकेशनल, डी का मतलब है जी डॉक्यूमेंट्री, और यहाँ पे एस का मतलब है जी साइंटिफिक, और ए का मतलब है जी आर्टिस्टिक। इस तरह का कंटेंट आप बना रहे हो ठीक है, हालांकि उनका जो ह्यूमन रिव्यूअर है वो चेक करेगा कि ईडीएसए में आपका कॉन्टेंट आता है कि नहीं आता। अगर इस तरह का आप कॉन्टेंट बना रहे हो और कई बार कुछ जो पॉलिसीज है उनसे रिलेटेड भी है, तो आपको ये क्या है कि ये है ना एक्सेप्शन है, यानी कि यहाँ पे आपको जो है हो सकता है स्ट्राइक ना लगे।
पर अब ये कौन कौन सा जो चीजें है वो ईडीएसए के अंदर प्रॉपर आएगी, अगर इस पे आप मुझे बहुत सारे कमेंट करोगे तो इसको प्रॉपर मैं वीडियो बना दूंगा। कि अगर मान लीजिए आप कोई ग्राफिक यूज भी कर रहे हो, मान लो आपने कोई मतलब है ना ऐसी इमेजनरी यूज कर ली जो थोड़ा सेंसिटिव भी है, लेकिन वो ईडीएसए के अंदर है कॉन्टेंट, तो आपको स्ट्राइक नहीं लगेगी। इस पर एक प्रॉपर वीडियो बड़ा बनाया जा सकता है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसको प्रॉपर समझा दूंगा बहुत बारीकी से कि एक्चुअल में कौन कौन सा कॉन्टेंट ईडीएसए के तहत आ सकता है जिसमें आपको स्ट्राइक नहीं लगेगी। आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए यहां पे आया कि जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है वो एक्चुअल में आती किस किस में है, तो किस किस में आ सकती है, अनलिस्टेड वीडियो पे आ सकती है जी, प्राइवेट वीडियो पे भी आ सकती है जी। हम सोचते हैं कि हमने वीडियो प्राइवेट कर दी अब तो नहीं आएगी, नहीं जी अब आएगी 2024 में। देखिए अनलिस्टेड पे भी आएगी, प्राइवेट में भी आएगी, कमेंट्स में भी आएगी जी। कमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम करते हो वहां भी आएगी, कमेंट्स लिंक्स पे भी आएगी, अगर कोई लिंक्स डालते हो, मैंने बताया था जो एक्सटर्नल लिंक्स है उस पे भी आएगी। इसके बाद कम्युनिटी पोस्ट पे भी स्ट्राइक आएगी जी, और थंबनेल पे भी आएगी जी। तो यानी आपको लगता है कि आपने वीडियो को प्राइवेट कर दिया, अनलिस्टेड कर रखा, उस पे नहीं आएगी, सब पे आएगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई थर्ड पार्टी, जैसे कोई थर्ड पार्टी में क्या होता है, ज्यादातर जो ऐप होते हैं ना वो ऐसे गेमिंग ऐप होते हैं, ये जो गेमिंग ऐप है ये गेमिंग ऐप थर्ड पार्टी होते हैं, जो कि गैम्बलिंग वगैरह या फिर बैटिंग वगैरह के ऐप होते हैं, इस तरह की जो ऐप होती है ना उनके लिंक लोग लगा देते हैं और अनलिस्टेड करके वीडियो भेज देते जी ब्रांड को कि भैया पैसे भेज दो तब हम वीडियो को लाइव करेंगे। और मैंने देखा है उनके अनलिस्टेड वीडियो पर ही भाई साहब स्ट्राइक आ जाता है। तो यानी ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियो पब्लिक होगी तो स्ट्राइक है, स्ट्राइक आपको हर तरह की वीडियोस, कम्युनिटी पोस्ट, थंबनेल पे आ सकती है। इसमें एक चीज और लिखा हुआ है, आप पढ़िए, नोट डाल के लिखा है यूट्यूब में अपनी पॉलिसी में कि वी मे रिमूव कॉन्टेंट फॉर रीजन अदर देन कम्युनिटी गाइडलाइंस वॉयलेशंस। अब इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए कि आपका कोई कॉन्टेंट है वो जो पॉलिसीज है उनको तो फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि कोई एक है ना कम्युनिटी गाइडलाइंस के अलावा भी कोई ऐसा कोई रीजन है जो वॉयलेट कर रहा है कुछ ना कुछ, तो उस कंडीशन में वो आपके कॉन्टेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो कई बार मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, आपको स्ट्राइक ना मिले लेकिन आपका वीडियो डिलीट किया जा सकता है। एक बार मेरा एक वीडियो था बहुत पहले, मैंने बनाया था करीब 5 साल पहले, वो कॉन्टेंट रिमूव कर दिया, हालांकि उसमें मैंने कोई पॉलिसी, जितनी भी ये पॉलिसी मैंने आपको बताई है इसका उल्लंघन नहीं किया था, मेरे को स्ट्राइक भी नहीं मिली लेकिन कंटेंट मेरा रिमूव कर दिया था। तो उस कंडीशन में भी आपका जो है कंटेंट रिमूव किया जा सकता है, वो रिव्यूअर पे ही डिपेंड करता है। अब बात करते हैं भाई साहब व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अ स्ट्राइक, जब आपको स्ट्राइक मिल गई भाई साहब, स्ट्राइक मिल गई तो होगा क्या। तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो आपका जो यूट्यूब स्टूडियो है उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो आपको एक्चुअली नोटिफाई करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा जी, आपको एक मेल मिल जाएगा, मेल मिल जाएगा ये ना। तो अब क्या होगा, चाहे मेल हो चाहे नोटिफाई करे वो आपको, उन कंडीशन में आपको दो चीजें मिलेगी कि पहला तो आपका कंटेंट रिमूव कर देगा, कंटेंट रिमूव हो गया आपका। अब लेकिन यहां पे है ना बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलती करते हैं। दूसरा है विच पॉलिसीज इज वॉयलेटेड, आपको मेल में प्रॉपर बताएगा कि कौन सी वो पॉलिसी है जो आपने वॉयलेट किया, जो मैंने पहले बात करी ना 4-5-6 पॉलिसी बताई, उनमें से पॉलिसी का नाम देगा एग्जांपल के लिए, भाई ये वाली जो पॉलिसी है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मिस इंफॉर्मेशन वाली पॉलिसी का वॉयलेट किया है, तो उसमें लिखा आएगा आपने मिस इंफॉर्मेशन वाली पॉलिसी वॉयलेट की है, इसलिए आपकी जो है वीडियो रिमूव की है। अब ये कॉन्टेंट वाज रिमूव है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब आपको स्ट्राइक आती है तो वो जो वीडियो है वो आपके चैनल पे 7 दिन तक रहती है, 7 डेज आपके चैनल पे ही रहती है जी। अब आप क्या करते हो, आप खुद से उस वीडियो को डिलीट कर देते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 7 डेज के लिए इसलिए रहती है कि ताकि आप अपनी वीडियो को देख सको, जैसे आपको मेल मिला और उन्होंने वहां पे एक पॉलिसी दी कि ये सेंसिटिव कंटेंट की पॉलिसी के तहत आपका जो वीडियो है उस पर स्ट्राइक आई है, तो अब आप क्या सेंसिटिव पॉलिसी को समझ गए, उसको पढ़ लिया, उसके बारे में समझ लिया, अब आप कहेंगे जी ये वीडियो 7 दिन के लिए आपके चैनल पे पड़ा रहेगा, इसको आप तो देख सकते हो बाकी नहीं देख सकता, मतलब जो कंटेंट रिमूव्ड है ना तो ये पब्लिक के लिए रिमूव हो गया लेकिन आपके पास वो वीडियो 7 डेज तक रहेगा, उसको देख सकते हो ताकि आप ये जांच सको कि यार जो पॉलिसी के तहत मुझे मेल आया है कि आपको स्ट्राइक मिली है, क्या सच में मैंने इस पॉलिसी का उल्लंघन किया है। और आपको लगता है कि नहीं किया है तो आप अपील वगैरह कर सकते हो, जिसकी हम आगे बात करेंगे। और अगर आपको लगता है कि यार मैंने उल्लंघन किया ही है तो आप चुप बैठ सकते हो। तो 7 दिन तक वो आपके चैनल पे वीडियो रहती है बट पब्लिक के लिए रिमूव हो जाती है, और 7 दिन बाद फिर वो आपके चैनल से रिमूव हो जाती है। तो इन 7 दिन के पीरियड में आप अपनी वीडियो घबराहट में आके डिलीट मत करना,
अगर आप डिलीट कर दोगे तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भैया आपके चैनल से स्ट्राइक कट जाएगी, बल्कि हो सकता है आपकी स्ट्राइक कभी भी ना आटे क्योंकि आपने वीडियो डिलीट कर दिया। तो वीडियो डिलीट हमको नहीं करना है, बस वो जांच के लिए होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि लोग करते हैं जैसे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई अपने वीडियो को तुरंत डिलीट करते। भाई वीडियो पब्लिक के लिए ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, वो आपके लिए ताकि आप देख सको कि आपने कोई पॉलिसी का सच में उल्लंघन किया या नहीं किया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और पॉलिसी, जो पॉलिसी आपने वॉलेट किया उसके बारे में मेल आपको आ ही जाएगा, तो आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी उसकी। अब आगे बढ़ते हैं जी। ये कहता है हाउ इट अफेक्ट योर चैनल, आपके चैनल को कैसे अफेक्ट करती है स्ट्राइक। तो देखिए सबसे पहले है वार्निंग। सबसे पहले क्या होगा, आपने कोई पॉलिसी को वॉयलेट किया, यूट्यूब के सिस्टम को पता चला, सबसे पहले आपको वार्निंग मिलेगी, ठीक है। अब वार्निंग के बाद क्या होगा कि ये जो वार्निंग है ना, ये 90 डेज में एक्सपायर होती है। कब होती है? जब आप पॉलिसी की ट्रेनिंग ले लेते हो। ये एक बिल्कुल नया सिस्टम है, इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा। और ये भी मैं समझाऊंगा कि अगर सेम पॉलिसी पे दोबारा वॉयलेट करते हो 90 डेज के विंडो के अंदर तो क्या होता है, तो इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको एक वार्निंग मिली, वार्निंग मिल गई जी, क्या वार्निंग मिली कि आपने जो है ये वाली पॉलिसी के तहत एक वीडियो में जो है वॉयलेशन किया है, आपको मिल गई वार्निंग। जैसे ही आपको वार्निंग मिलेगी, आपके लिए मेल पर एक पॉलिसी ट्रेनिंग आ जाएगी। यानी जो पॉलिसी है, यूट्यूब को ये लगता है कि यार हो सकता है भाई बंदे को पता ही ना हो कि इस पॉलिसी में एक्चुअल में क्या था और मैंने वीडियो में क्या गलती करी, तो वो एक्चुअल में आपको पॉलिसी की ट्रेनिंग देना चाहता है। मतलब ये एक अच्छा सिस्टम लगा मुझे यूट्यूब का, तो आप पॉलिसी की ट्रेनिंग कर लीजिए। हालांकि ये ट्रेनिंग होती है इंग्लिश में ही है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इसको इजी भाषा में क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर उसको इतना ही नॉलेज होता बेचारे को तो पॉलिसी को वॉयलेट क्यों करता, फिर भी वो पता नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, पॉलिसी की ट्रेनिंग एक अच्छी चीज़ है, आपको पॉलिसी की वो ट्रेनिंग देगा कि आपने इस पॉलिसी के तहत जो है वॉयलेशन किया है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने पॉलिसी की ट्रेनिंग कर ली तो आपकी जो वार्निंग स्ट्राइक है ये 90 डेज में ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगी आपके चैनल से। अभी आपको स्ट्राइक नहीं मिली है, वार्निंग मिली थी, पॉलिसी की ट्रेनिंग की, यानी आप पॉलिसी के बारे में समझ गए और आपकी स्ट्राइक 90 डेज में रिमूव हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए इन 90 डेज के अंदर, ये जो 90 डेज है, इसी डेज के अंदर सेम पॉलिसी आपने दोबारा वॉयलेट कर दी, सेम पॉलिसी जिसकी आपने ट्रेनिंग ली, सेम पॉलिसी, तो क्या होगा उस कंडीशन में? आपकी वार्निंग स्ट्राइक रिमूव नहीं होगी, बल्कि आपको एक प्रॉपर जो है स्ट्राइक आ जाएगी। यानी यहां पे आती है जी स्ट्राइक, समझ गए? प्रॉपर स्ट्राइक आ जाएगी आपको। एक कब आएगी? वार्निंग मिली, पॉलिसी की आपने ट्रेनिंग ले ली, अगर आपने पॉलिसी ट्रेनिंग ले ली 90 डेज में वार्निंग स्ट्राइक एक्सपायर, फिर तो आपको कोई स्ट्राइक आएगी ही नहीं। लेकिन अगर आपने 90 डेज के अंदर सेम पॉलिसी फिर से वॉयलेट करी तो वार्निंग स्ट्राइक तो हटेगी नहीं, बल्कि आपको एक प्रॉपर स्ट्राइक मिल जाएगी। और अगर आपने सेम पॉलिसी की नहीं करी तो बस 90 डेज में हट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार आपने कोई दूसरी पॉलिसी, अगर कोई दूसरी पॉलिसी है, जैसे मान लो इस बार आपने मिस इन्फॉर्मेशन की जो पॉलिसी थी वो वॉयलेट करी, उसके लिए वार्निंग आई और आपको मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी के बारे में ट्रेनिंग मिल गई। अगली बार मान लीजिए आपने सेंसिटिव कंटेंट वाली जो पॉलिसी है उसको वॉयलेट किया, तो फिर वापस से क्या होगा? एक वार्निंग मिलेगी, फिर सीधा आपको पॉलिसी ट्रेनिंग होगी, फिर यही वाला फंडा चलता रहेगा, स्ट्राइक नहीं मिलेगी। स्ट्राइक जब मिलेगी, जब भाई साहब आप ज्यादा ही अति मचा दोगे। अब स्ट्राइक मिल गई साहब आपको, स्ट्राइक मिली तो क्या होगा? फर्स्ट स्ट्राइक, जब प्रॉपर फर्स्ट स्ट्राइक मिलेगी उस कंडीशन में क्या होगा उसको समझ लीजिए जी, क्योंकि पहले कुछ कम होता था, पहले तो क्या था अपलोडिंग में, अभी बहुत कुछ होगा। जैसे क्या क्या होगा? पहला तो अपलोड वीडियोस, लाइव स्ट्रीम और स्टोरीज। स्टोरी तो हालांकि अब है नहीं, पर पॉलिसी में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा कोई फीचर अगर कुछ भी कंटेंट स्टोरीज में अपलोड वीडियो नहीं कर सकते, आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? फर्स्ट स्ट्राइक मिली 7 डेज तक नहीं कर सकते, 7 डेज के लिए लगेगी जी ये पेनल्टी। अभी सुनना ध्यान से, 7 डेज के लिए तो ये पेनल्टी है, वो स्ट्राइक आपके चैनल पर रहेगी 90 डेज, वो स्ट्राइक रहेगी जी 90 डेज, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो आप क्या नहीं कर सकते 7 दिन तक, जब आपको पहली स्ट्राइक मिली, ना तो वीडियो अपलोड कर सकते हो, ना लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, ना स्टोरीज कर सकते हो। क्रिएट ए प्रीमियर, आप कोई प्रीमियर भी क्रिएट नहीं कर सकते। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक चीज और लिख रखी है, कोई भी लाइव स्ट्रीम जो अपने शेड्यूल कर रखी है उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। मान लो आपने कोई लाइव स्ट्रीम शेड्यूल कर रखी है कि मैं 7 डेज बाद लाइव स्ट्रीम करूंगा, लेकिन आपको उसी तहत स्ट्राइक लग गई, तो आप वो भी नहीं कर पाओगे। इसके अलावा कोई वीडियो शेड्यूल कर रखी है टू बिकम ए पब्लिक, ये बड़ा टफ काम है। आप सोचते हो कि यार मैंने कोई गैम्बलिंग की ऐप है, आपको पता है इस पे स्ट्राइक आ सकती है, आप 10 दिन का वीडियो शेड्यूल कर दोगे, आप सोचोगे यार स्ट्राइक आ भी गए तो 10 दिन तो वीडियो चलती रहेगी, चैनल पे वीडियो तो आती रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कोई वीडियो शेड्यूल कर रखी है बिकम पब्लिक, तो वहां पे उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका पेनल्टी पीरियड है 7 डेज का, तो और इसमें इन 7 डेज में आपकी वीडियो पब्लिक होनी थी लेकिन आपको स्ट्राइक लग गई, तो वो वीडियो प्राइवेट हो जाएगी, ऑटोमेटिक पब्लिक नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो एक चीज और भी रखी है, कोई भी अपकमिंग प्रीमियर या फिर लाइव स्ट्रीम आप करने वाले हो उसका जो ट्रेलर है वो भी ऐड नहीं कर सकते आप अपने चैनल पे, ये नहीं कर सकते जी।
आप कोई भी कस्टम थंबनेल क्रिएट और कम्युनिटी पोस्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे 7 days तक, और इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी कोई क्रिएट नहीं कर पाएंगे, कोई एडिट नहीं कर पाएंगे 7 days तक आपके चैनल पर ये जो है पेनल्टीज रहेगी। इसके बाद 7 days के बाद ये जो पेनल्टीज है, ये जो फीचर्स है, ये तो रिज्यूम हो जाएंगे 7 days के बाद, ये सब आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्ट्राइक है जी, वो 90 days तक रहेगी। स्ट्राइक कब तक रहेगी? 90 days तक आपके चैनल पर ही रहेगी। इसके बाद क्या होगा जी? इसके बाद यही होगा कि भैया सेकंड स्ट्राइक और थर्ड स्ट्राइक, 3 strikes आती है जी यूट्यूब पे। अब देखो होता क्या है, इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए 90 days है, वो पहली स्ट्राइक आई, 90 days तक आपके चैनल पे वो रही। इन 90 days के अंदर ही आपको सेकंड स्ट्राइक भी पड़ जाती है और थर्ड स्ट्राइक भी पड़ जाती है, तो आपके चैनल को रिमूव किया जा सकता है, यूट्यूब से आपके चैनल को हटाया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा है, डिलीटिंग योर कॉन्टेंट डजंट रिमूव योर स्ट्राइक। वही बात रखे जो मैंने बताया, आप अपने कंटेंट को अगर घबराहट में अगर डिलीट कर दोगे तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी स्ट्राइक भी रिमूव हो जाए। तो अपने कंटेंट को डिलीट नहीं करना है, बस 90 डेज में आपको 3 strikes नहीं पड़नी चाहिए। इसके अलावा एक चीज और है, एक चैनल होता है स्टैंडर्ड चैनल, एक होता है ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल। जैसे मेरा चैनल तो एक स्टैंडर्ड चैनल है, ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल भी होता है, उनको एक बैज मिला होता है आर्टिस्ट का। इसमें लिखा हुआ है ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल गेट्स कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक। अगर ऑफिशियल जो आर्टिस्ट चैनल उनको कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलती है तो चैनल को सस्पेंड किया जा सकता है, या फिर क्या किया जा सकता है, उस चैनल को आर्टिस्ट से बिकम ए स्टैंडर्ड चैनल पे भी जो है कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी आपका बैज जो है आर्टिस्ट का छीन लिया जाएगा, ये चीज हो सकती है। अब बात आती है कि व्हाट टू डू व्हेन यू गेट ए स्ट्राइक, जब स्ट्राइक आए तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है भाई साहब, लर्न करना चाहिए कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में। तो या तो आज आपने मेरा वीडियो देख लिया तो अब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको सब कुछ पहले से पता है, या मान लो नहीं देखा और कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गई, सबसे पहले लर्न करें, सीखें गाइडलाइंस के बारे में सीखें, क्योंकि ये आपके चैनल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सीखें। इसके बाद क्या हो जाए जी, आप अपील कर सकते हैं। अपील कैसे करेंगे, आपको पता चल गया आपके मेल पे कि ये वाली गाइडलाइंस के वजह से हमको स्ट्राइक मिली है, और आपको लगा कि यार मैंने मेरा वीडियो भी देख लिया, क्योंकि 7 days तो वीडियो आपके पास रहेगा, आपने देख लिया कि मैंने तो कोई गलती करी नहीं, तो आप अपील कर सकते हैं। अपील करने के बाद क्या होगा, जो ह्यूमन रिव्यूअर होते हैं वो दोबारा से आपकी वीडियो को रिमूव करें, वो रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद वो डिसीजन लेंगे कि आपकी वीडियो को रिमूव करना ही चाहिए या फिर वापस दे सकते हैं। उनसे मिस्टेक हो, अगर उनसे मिस्टेक हो गई है तो आपके वीडियो को वापस दे देंगे, स्ट्राइक हटा देंगे, और अगर उनसे मिस्टेक नहीं हुई है, आपने मिस्टेक की हुई थी, तो आपकी अपील भी रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन आपको अपील करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर आपका मान लो चैनल भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से डिलीट हो जाता तो भी आपको अपील करने का ऑप्शन तो मिल ही जाता है। एक चीज यहां पे है, ये बहुत काम की चीज है और ये हर किसी को नहीं पता, टर्मिनेशन ऑफ ऑल योर एग्जिस्टिंग यूट्यूब चैनल। यानी कि ध्यान से सुनिए, एक ये चैनल है, इसका एक मेल आईडी है, इस मेल आईडी से आपने ये चैनल बनाया, स्ट्राइक आपको इस पे मिली, इस वाले पे मिली, इससे आपने एक दूसरा चैनल भी बना रखा है, तीसरा चैनल भी बना रखा है, चौथा चैनल भी बना रखा है। तो अगर ये वाला जो चैनल है इसको डिलीट कर दिया यूट्यूब ने, रिमूव कर दिया, तो भाई साहब इनको भी कर देगा, समझ गए, सारे के सारे चैनल आपके रिमूव हो जाएंगे। और इस मेल आईडी से अगर आपने कोई दूसरा भी चैनल बनाया उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अपनी अलग अलग मेल आईडी से अलग अलग चैनल बनाओ, अगर एक चैनल पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो भैया ये तो सारे चैनल उड़ा देगा। तो इस तरीके से जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक काम करती है, इस तरीके से आपको स्ट्राइक आती है। मैंने आपको सारी चीजें समझा दी ईडीएसए के बारे में, अगर आपको समझना है बहुत ज्यादा कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो हम अपनी वीडियो में डालते हैं और वो जो है एक्सेप्शन में चली जाती है, हमको स्ट्राइक नहीं मिलती, तो उसके लिए आप कमेंट करें, मैं एक बड़ा वीडियो बना दूंगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपके जो भी ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में आपको और भी कुछ जानना है, कोई ऐसी बात जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो मुझे लिख के बता दें कमेंट में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।